फोटो तो हट दो पिछे फोटो ले गुरिंदर बना दिले आयोजक सभी गांव तारपुर के मेरे साथियों, मेरे साथ मंच पे बैठे हमारे जिला परिषद के मेंबर, मेरे साथ पीछे इस कार्यक्रम में चल रहे भाई भूपेंद्र जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर भाई नरवैल जी, हमारे भाई छोटे भाई अहमद और सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत करा और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इस चुनावी सभा में मेंबर को सुनने हैं, पार्टी का हौसला बढ़ाने हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, 10 साल की सरकार की कारगुजारियां तो आपके बीच में आते रहे, बताते रहे, वो अच्छे दिनों का वादा, वो महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, किसानों के साथ क्या बीती है, व्यापारियों के साथ क्या बीती है, कर्मचारियों के साथ क्या बीती है और गौर सरपंचों के साथ भी जो बीती है वो भी बताते। सबका इलाज सरकार ने सिर्फ लाठी का सोच रखा है कि जो भी अपनी मांग रखी है उसमें लाठियां बरसाओ, अगर लाठियों से बाज नहीं आते उनपे झूठे मुकदमे दर्ज करो, किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं, अपनी मनमानी थोप देनी है। आज शहर के गांव के सब वोटर इनसे परेशान है क्योंकि इन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं करा, जो कुछ इस 10 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने करा है वो सिर्फ अपने लिए करा है, अपने चंद लोगों के लिए किया है या फिर अपने घर भरने के लिए किया है। हमारे यहाँ जैसे भाई भूपेंद्र जी बता रहे, माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है, आप लोगों को क्या दिक्कतें आई, इसलिए आई कि आप उनके साथ नहीं, जिनके साथ उनके हिस्सेदारी होती है उनका तो पूरा काम चलता, पीछे जी मशहूर था पहले करो इनकी हिस्सेदारी फिर होगी एनओसी जारी, तो इनकी सब में हिस्सेदारी है। भाई भूपेंद्र जी और भी काम था, इनको बड़ी दिक्कत आई क्योंकि दूसरी पार्टी और बहुत से लोग जिनके काम नहीं चल रही, तंग करा गया नाजायज, पार्टी बाजी को हवा दी गई, झूठे मुकदमे लोगों पे बनाए गए, वो सारे हवा भी ध्यान है, हमारे वर्करों को भी सारे ध्यान है। देखो सदा तो राज रहता नहीं, किसी का वक्त तो बदलता ही है और अब वक्त करवट ले रहा है, आपका नाम लड़ने वाला है, 10 साल हो गए आपको सत्ता से बाहर, अब आपकी सत्ता आने वाली है, 36 बिरादरियों की सत्ता आने वाली है, 36 बिरादरियों का मिलकर राज बनेगा, 36 बिरादरियां सारी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस भी सबको साथ लेकर चलती है। साथियों, बहुत से वादे काले धन का था, अच्छे दिन का था, लोग देखते रहे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो बीजेपी वालों के तो आगे आम जनता के नहीं आए, काला धन भी आया है तो बीजेपी के वालों के घर में ही चला गया, आम जनता को जो मोदी जी कहते थे 15-15 लाख देंगे वो भी नहीं, युवाओं को रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल वो भी नहीं, महंगाई कम करने का था 350 रुपए का सिलेंडर था अब 1200 हो गया। तो साथियों, मैं तो ये कहूंगा इनके बहकावे मत आना, बहकाने की आपको कोशिश करेंगे दोबारा, आप सब समझदार हैं, कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करा है, उसमें 7 बिंदु है मोटे मोटे से, मैं आपको बताऊं जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक पार्टी और आई थी जेजेपी पार्टी बताते थे लेकिन तब कुछ लोगों को समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करी थी, ये 5100 कह रहे हैं चौधरी देवीलाल के पोते हैं शायद करी दे 5100 रुपए, लेकिन 5 साल राज करके चले गए, उन्होंने कुछ नहीं करा, आज उनके जो हालात है आपके सामने। भाई बुजुर्गों, कांग्रेस का राज 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख की गिनती है, जैसा हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल है, 36 बिरादरी जैसे कांग्रेस के साथ खड़ी है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, और 8 तारीख की गिनती होते ही जब कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारे बुजुर्गों को
और उसके साथ साथ जो अबाइज लोग हैं, विकलांग हैं और विधवाएं हैं, उनको पेंशन 3,000 से बढ़ा के बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए सरकार करी कांग्रेस का राज। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 12,000 रुपए महीना आएंगे। इसके अलावा 100-100 गज के प्लॉट पहले भी कांग्रेस के राज में मिले थे, आपको याद होगा। अब भी 2-2 कमरों का मकान बना के देंगे 3.5 लाख की लागत से। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली की आप लोगों को फ्री दी जाएगी, 300 यूनिट। तो सर यहाँ आपके यहाँ पावर हाउस भी आया था, स्कूल भी आया था, और गांव के विकास के लिए जो आपके भी हैदरपुर के लिए भी यहाँ भी गलियों और नालों की जिस चीज के भी आप उसके पैसे मांगे वो भी हमने कराए थे, और आगे भी चाहे वो यहाँ से बस चलाने की बात हो, कुछ भी हो, आगे भी आपसे वादा है कोई काम में कभी नहीं आने देंगे। खासकर जो हमारे नौजवान खड़े हैं, एक हमारे घोषणा पत्र में और है, 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं प्रदेश के अंदर। सरकार बनते ही इन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं हर साल, इन्होंने छीने। और एक काम जो इन्होंने करा है कि युवाओं को नशे में धकेल दिया। आज सारा इलाके जो नौजवान पीढ़ी है नशे से, सारे गाँव के लोग परेशान है, घर वाले तो उनके परेशान है ही है, गांव वाले परेशान है, इलाके वाले परेशान है। आके कांग्रेस की सरकार युवाओं को नौकरी देगी और इस नशे को जड़ से खत्म करेगी, जड़ से खत्म करेगी। तो साथियों किसी के बहकावे मत बहकना, और एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबा के कांग्रेस की डाले, कांग्रेस को यहां से भारी मतों जिताए, ताकि बनने वाली सरकार में आप सबकी हिस्सेदारी हो, आप सबका साझा हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक दफा आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी तादाद में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया चौहान साहब, पाइए फोटो तो हट दो, पिछले सुरेंद्र बांध ले सुरेंद्र।